दोस्तों मेरे गांव में जो बांध बना हुआ है इसरदा बांध, वहां का दृश्य आपको लाइव दिखा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना और वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना। तो मेरा जो गांव दिख रहा है दोस्तों, आज सामने जो ये जनता जा रहा है, ये मेरा गाँव है। और जो मेरे सामने का जो फ्रंट है दोस्तों, मैं मेरी बाइक से जा रहा हूँ और मेरे पीछे बैठे हैं केसर सिंह जी बैठे हुए हैं। इधर ये गाँव और ये जो मशीनें लगी हुई है यार, ये पूरी इस पहाड़ी के जो बीच में बांध बना हुआ है। तो आज मैं आपको लिए चल रहा हूँ इसरदा बांध, जो सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है वैसे, पर ये मेरे गांव के नज़दीक है बिल्कुल। जहाँ मैं चल रहा हूँ ये मेरा गांव रहा पास में, और ये बांध रहा मतलब यानी कि ये वैसे ज़िला तो सवाई माधोपुर लगता है, लेकिन है ये मेरा गाँव टोंक जिले में, मतलब यानी कि अभी हम टोंक जिले में हैं, लेकिन ये बांध का जो नाम है वो सवाई माधोपुर जिले में आता है। दोस्तों इसरदा काफर डैम की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी निर्माणाधीन है और बहुत ही अच्छा बांध है, जिसका मैं लाइव दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे फ्रंट का व्यू, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पर, और जो बीच तो बीच नदी के इस पार से लेकर के उस पार तक यार कितना भयंकर इसका दृश्य है। पूरी पहाड़ियाँ काट डाली लोगों ने। और अब दोस्तों मैं कैमरे को आगे की साइड करता हूँ, क्योंकि यार इस साइड से तो फ्रंट का नज़ारा आता है। आगे को कैमरा कर डाल, बस क्लियर देख, इमेज देख रहे हो क्लियर हो। अरे दोस्तों ये यहाँ पर हम बांध वहाँ से शुरू है, वो जो पहाड़ी दिख रही है सामने इतनी बड़ी सारी, उस पहाड़ी से शुरू है। और दोस्तों ये जो बांध यहाँ से लेकर के आप जितना मेरा कैमरा देख रहा है उतनी दूरी का मैं आपको बता दूंगा। ये मेरे सामने जो केसर सिंह है ये पानी पी रहा हो, इतने बड़े पाइप से, लगभग 16 इंची का पाइप है यार, और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी इस खड्डे में। मैं उस खड्डे की तरफ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बांध में कुछ भी गिर सकता है और जान जोखिम में मैं डालना नहीं चाह रहा। तो आप देख सकते हैं इस छोर से लेकर के वो जो गाड़ी आ रही है, और वो जो सामने इतना दूर का छोर और इतना बड़ा, ये इसरदा काफर डैम है और ये जो मेरे गांव में स्थित है। दोस्तों अगर आपको घूमना हो तो मेरे गांव में आ सकते हैं, आपका स्वागत है यार। जितनी सेवा होगी उतनी करेंगे, और जो भी हमसे बनाएगा वो आपके लिए हाजिर जवाब देंगे, तो आप आ सकते हैं। और इसका जो पूरा 180 डिग्री का यार फ्रंट व्यू मैंने आपको दिखा दिया है, और एक बार से फिर देख लो इस साइड में जो पहाड़ी है उस साइड में बनेटा है, और इस पहाड़ी के जो ये पेड़ दिख रहे हैं बीचों बीच, इस जगह पर जो मेरा हाथ है वहाँ पर मेरा गाँव है, और इधर ये मेरे गाँव के नारे हैं फोरू जी मीना। और आप इसका पूरा व्यू देख सकते हैं यार, इतना प्यारा है। और तू बनाई इसका वीडियो, धीरे धीरे आपको मैं पूरा 180 डिग्री दिखा देता हूँ, इतना से देख सकते हैं कितना नज़ारा यार। आपने नेट पे फोटो एडिटिंग देखी होगी, लेकिन ये रियल फोटोज है यार बनास की, और इतना खतरनाक जो ये सीन आप देख सकते हैं बिल्कुल यार। और इस कैमरे में जो जहाँ तक दिखाई दे रहा है वहाँ तक की बात आप दिखा सकते हैं। अभी दोस्तों लाइट जलने लग गई, शाम का टाइम हो गया लगभग, और इसका 180 डिग्री का जो पूरा सीन है दोस्तों आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी ये बनास नदी है। और अगर दोस्तों आपको घूमना हो घुसमेश्वर महादेव या रणथंबोर या चौथ का माता, चौथ का बरवाड़ा, तो आप बिल्कुल मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बोल सकते हैं, और मेरे नंबर ले सकते हैं, और मेरे पास में टैक्सी और कैब की भी सुविधा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, मैं आपको जहाँ कहोगे वहीं ले चलूँगा। तो दोस्तों मेरा इस तरह से धीरे धीरे वीडियो बना, जिसमें मैं मेरी भी फोटो देखे लोग निर्माण किया जा सके। अगर आप 50 सेंटर चलाए जब जा करके इतना पानी आ सकता है, और ये पानी इधर आ रहा है, वो पानी तक इसकी न्यूज आएगी। और अभी सूर्य का समय है, तो
काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूमना, बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज आती पानी की। तो आप भी लोग बने हुए हैं।